चरखी भी होगी तो धूम भी होगी और तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जल्द ही आप सब लोगों के बीच में आने वाला है आपका पसंदीदा मेला शरदोत्सव 2023 और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। यूं तो सदियों से मनाया जाता है शरदोत्सव पुरोला बाजार में, लेकिन उसके उपरांत इसमें अब कुछ खास जुड़ने वाला है। क्या कुछ होगा? रवाई की मिठाई भी होगी तो रवाई का खाना भी, रवाई के तौर तरीके भी होंगे तो उनकी संस्कृति भी, तमाम चीज़ों को लिए रवाई शरदोत्सव बसंतोत्सव विकास मेला जल्द ही फरवरी से शुरू होने वाला है। आज उसकी एक आम बैठक भी गई थी जिसमें पुरोला के क्षेत्र से तमाम गणमान्य मौजूद थे नगर पंचायत के ऑफिस में, और वहां से बैठक के बाद जो चीजें सामने आई हैं उन सब पर बनकर एक मेला आप सब लोगों के सामने होगा जो वाकई सुसज्जित होगा। कई लोगों ने अपनी भूमिका अहम निभाई है। आज भी यहाँ पर जितने लोग आए थे सब ने अपने तर्क दिए, सब ने अपनी विचार रखे किस तरह से इस मेले को और अच्छे से सुसज्जित करके बनाया जा सकता है और बढ़िया से इसको कैसे किया जा सकता है। उन तमाम तस्वीरों को हमने देखा और आज दिन भर की जो भी गतिविधियाँ हैं वो आपके सम्मुख हैं। तमाम लोग यहाँ पर गणमान्य मौजूद थे, उनको संबोधित किया नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी ने। तमाम गणमान्य सब लोग और एक मंच जहां पर की बात हो रही थी कि इसको अब की बार कहीं पार्टी से अलग हटकर केवल रवाई का शरदोत्सव मनाया जाए। तमाम लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। सब ने कहा कि क्या कुछ करना चाहिए। ये मीटिंग का दौर काफ़ी लंबा रहा, लेकिन तमाम लोगों ने अपने विचार उठ उठ कर आगे रखे। किसी ने रवाई के खाने की बात की, किसी ने रवाई के संस्कृति की बात की, किसी ने यहाँ के लोकल जो गायक हैं उनको प्रमोट करने की बात भी रखी, तो किसी ने संस्कृति को बढ़ावा देने की बात की। तो भोजन भी होगा रवाई का, खाद्य भी होगा रवाई का। क्या कुछ होने वाला है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तमाम चीज़ों के उपरांत एक चीज़ आज समझ में आई है। जो ये मेला है विगत कई वर्षों से जो चल रहा है, इसमें अब की बार क्या कुछ चार चांद लगने वाले हैं वो इंतजार रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह ये शुरू होने वाला है और इस पर हमने बात की अलग से कि हरिमोहन नेगी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है और क्या कुछ आज की मीटिंग का कंक्लूजन रहा। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं कि क्या कुछ होगा खास इस मेले में। देखिए जिस तरह से आज रवाई वसंत उत्सव मेले को लेकर एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है, तो क्या कुछ उद्देश्य रहा इस मीटिंग का? सर प्रथम तो आपके माध्यम से आपके तमाम श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज हमने जो है रवाई वसंत उत्सव एवं विकास मेला जो गत वर्षों की भांति निरंतर जो है इस रवाई घाटी में मनाया जा रहा है उसकी एक अहम बैठक आहूत की गई। तमाम जो है जनप्रतिनिधियों को जो इस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, कर्मचारी लोग हैं, तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको बुला करके आज उनके सुझाव लिए गए कि किस प्रकार का मेला किया जाना है और गत वर्षों में जो मेला आयोजन हो रहा है उसमें जो कमियाँ रह गई या उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसके तमाम प्रकार के जो है लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और उन सुझाव को नगर पंचायत जो है इम्प्लीमेंट करेगी, उनका क्रियान्वयन करेगी और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का हर प्रयास हर संभव करेगी। जिस तरह से लोगों ने आज जनप्रतिनिधिगण हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सम्मानित लोग हैं, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि जिस तरह से रवाई घाटी की एक संस्कृति है, रवाई घाटी के लोग कलाकार हैं या रवाई घाटी के तमाम व्यंजन है उनको भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा देना चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको लेकर क्या कुछ विचार हैं आपके? बहुत अच्छा सुझाव जो है लोगों के द्वारा आज यहाँ मिले, जिसमें स्थानीय कलाकारों को मौका देना हो, चाहे स्थानीय परंपराएं हों, स्थानीय संस्कृति हों, स्थानीय फूड हों, उनको महत्व मिले और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल करके वो देश विदेश तक वो जाने जाएं, इसके लिए नगर पंचायत को लोगों ने सुझाव दिए और मैं ये आपके माध्यम से तमाम जो है लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उन सुझावों को बहुत गहनता से लिया जाएगा और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा है तमाम जो उत्तरकाशी माघ मेले की बात करें या बड़कोट सरदसो मेले की बात करें, वहाँ पे कवि सम्मेलन को लेके भी एक सुझाव आया आपके पास में, और जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको एक दिन स्पेशल एक दिन मिलना चाहिए, एक टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए
उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम सुझाव आए हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन का हो, क्षेत्रीय कलाकारों का हो, उसमें अभी विचार किया जाएगा। मैं जो आज तो सुझाव कलेक्ट हुए हैं उनमें अभी मंथन होना है, विचार होना है, विचार उपरांत ही उसमें डिसाइड किया जाएगा क्या कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।